तो राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए युवा जो है वो आज सुबह से ही सड़कों पर है। एक बच्ची ने राहुल गांधी का पोस्टर ले रखा है, इनसे बातचीत करते हैं। बेटा क्या नाम आपका? खुशी कपूर। ये आपने बनाया है? हाँ जी। राहुल गांधी को देने के लिए? हाँ जी। अच्छा, उनसे प्रेरित है आप? यस सर। और जो सत्ता पक्ष है उनसे प्रेरित नहीं है? हाँ जी। जो बीजेपी वाले उनसे प्रेरित नहीं है? कांग्रेस से नहीं। अच्छा, क्या सोच के राहुल गांधी का पोस्टर बनाया आपने? वो क्या कहते हैं, अच्छे इंसान है और वो हमारे देश के आने वाले पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कुछ पता है आपको, क्यों निकाल रहे हैं वो? नहीं, भारत जोड़ने के लिए। भारत जोड़ने के लिए ये ऐसे सैकड़ों जो युवा हैं हम लोगों ने देखे हैं जो राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। इस तरह का हजूम जो है सड़कों पर उतरा हुआ है और लगातार उग्राखेड़ी से मैं लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, कैसा कितना रश जो है इसमें है। बजरंग दास गर्ग है मेरे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। गर्ग साहब, दिशा और दशा बदलेगी इसमें जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है? 100% पूरा बदलाव। भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है और कांग्रेस आने वाली है। आज देश की प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, खराब कानून व्यवस्था से बेहद दुखी है। आप टीवी में देखोगे, टीवी वाले कभी महंगाई बेरोजगारी पर डिबेट नहीं करते, वो सिर्फ क्या हिंदू मुसलमान या मंदिर मस्जिद पर डिबेट करते हैं ताकि भाईचारा खराब करे। ये भाईचारा खराब करने वाली पार्टी है, लोगों को तोड़ने वाली पार्टी है। कांग्रेस जो है लोगों को जोड़ने वाली पार्टी है। और हमने इतनी अनेकों योजनाएं 2005 से लेकर 14 लागू की जिससे आम आदमी को लाभ मिला। जहाँ पानीपत की धरती पर मैं खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर जो उद्योग स्थापित हो रहे हैं, टेक्सटाइल हब है, कंबल का हब है, अनेकों प्रकार की रियायतें हमने कांग्रेस राज के अंदर दी। 700 करोड़ रुपए कंबल पर टैक्स बाकी था पिछली सरकार का, तो हुडा साहब ने एक कलम से 700 करोड़ रुपए माफ किए और उनका ब्याज माफ किया। एसटीएटी फार्म जो है वो हटाया, अनेकों वस्तुओं में छूट दी। यहाँ तक कि एक बात और कहता हूँ, हमने अनेकों योजना गरीबों के लिए लागू करी। 2 रुपए किलो गेहूँ, 3 रुपए किलो चावल, 20 रुपए किलो दाल, यहाँ तक कि गरीब आदमी के घर में पाइप की लैंड टूटी और 200 लीटर पानी की टंकी फ्री और 100 गज के मुफ्त प्लाट देने की हमने काम किया। मगर इस सरकार ने 2014 में आते ही सारी गरीबों की योजनाएं बंद कर दी। और मैं कहना चाहता हूँ, हम सरकार आती सबसे पहले गरीबों के, दलितों के, मजदूरों के, व्यापारी के, किसान के, उद्योगपतियों के हित के अंदर काम करेंगे। कोई भी सरकारी अधिकारी अगर किसी ने बदमाशी करने की कोशिश की, अगर कोई कांग्रेस पार्टी का नेता है या कार्यकर्ता है या आम जनता के हित में काम नहीं किया, उस सरकारी अधिकारी को कॉलर पकड़ कर घर बिठाने का काम करेंगे, उनकी अधिकारी को खुद्दे लेन लगाएंगे। बीजेपी तो कह रही है टाइम खराब कर रहा है राहुल गांधी, इससे तो होने जाना फायदा नहीं है। ये बात उसकी क्या है, टाइम तो खराब वो कर रहे हैं, लूट लूट के घर भर रहे हैं। धान घोटाला, सरसों घोटाला, रिष्टि घोटाला, शराब घोटाला, खनन घोटाला, पेपर लीक घोटाला, नौकरी घोटाला, 5 लाख आदमी की पेंशन काट दी, बीपीएल के कार्ड काट दिए। ये लोग क्या है, ये भयभीत है, डरे हुए हैं। इनको पता है भी हम जाएंगे और कांग्रेस आएगी। जनता चाहती है, आज गरीब दुखी, मजदूर दुखी, ये कहते हैं भी हमने रोजगार दिए। एक व्यक्ति बता दे, इन्होंने कहा था भी 1.5 साल पहले हम उद्योग के माध्यम से 75% युवाओं को रोजगार देंगे। 75 आदमी को भी रोजगार दिया हो तो बता दे, मैं दावे कर सकता था 75 आदमी को रोजगार नहीं दिया। आपके सामने पानी पर जो टेक्सटाइल कंबल का हब है, वह क्या क्या हालात उन्होंने कर रखे हैं आपके सामने। ये जो ब्लॉक, ये यात्रा पहले निकल जाती तो काम न चल जाता। हाँ, ये बात ठीक है, यात्रा से लोग जुड़े हैं और कुछ क्या है, लोगों में थोड़ा समझ आ गया कि झूठ की राजनीति जो कहते हैं 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे, 1 रुपया रोजगार नहीं दिया। यूं कहते थे हमारा राज आन दो, 250 रुपये गैस सिलेंडर देंगे, वो गैस सिलेंडर 400 वाला 1070 पार कर दिया। ये कहते थे पेट्रोल डीजल हम 35 रुपये लीटर देंगे, वो 100 पार कर दिया। लोगों को पता लग गया कि ये सरकार झूठी घोषणा, झूठी वायदा करती है। इसने मोदी ने कहा था हरियाणा के चुनाव के समय, बोला भाई 70 साल हो गए, SBI का पानी कोई नहीं लाया, मैं पाकिस्तान का पानी रोकूंगा और पानी लाऊंगा। आज चुप बैठा है,
लड़ाई करवा दी पंजाब और हरियाणा से, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बावजूद भी हरियाणा की धरती को पानी नहीं दुबारा, कुछ शब्द ही नहीं बोलता। लास्ट सवाल, इस यात्रा से क्या फर्क पड़ेगा? यात्रा से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, जनता में जागरूकता आई है और लोग बदलाव चाहते हैं, लोग कांग्रेस का राज चाहते हैं। हरियाणा में कांग्रेस के अंदर हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे और जनता के हित में काम करेंगे, इसमें कोई। बजरंग दास गर्ग हमारे साथ थे, व्यापारी नेता हैं, और आपको दिखा दें कि लगातार जीटी रोड, सनोली रोड पर, हरिद्वार रोड पर एसआई रश जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा, और काफिला जो है उग्राखेड़ी गाँव के पास है, लेकिन आगे की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और रैली में जो सीधा आपको लिए चलेंगे, और रैली में क्या क्या घोषणाएं, क्या क्या बातचीत करते हैं, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से हजूम जो है एक झलक पाने के लिए, आप देखिए, भारत को जोड़ने के खातिर हर प्रांत की सीमा लांघी है, महात्मा गांधी का अनुयायी बनकर निकल पड़े राहुल गांधी है, ये क्या संदेश है जी? ये संदेश ये है, वो एक पवित्र भावना से निकले हैं, तो हम उनका साथ देना चाहते हैं। हालांकि ये कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, तो इसीलिए हम सब उनके लिए जो अपने मन में फीलिंग थी उसको लेकर के यहाँ खड़े हैं। चलिए, बढ़िया बात है, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर थी, युवा बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और ये हजूम जो है आप लगातार पानीपत के सनोली रोड से देख रहे हैं। अच्छा, आप भी आए हैं? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। किस तरह का स्वागत करेंगे? बहुत बढ़िया जी, हमारी तरफ से दिली स्वागत है जी राहुल गांधी जी के लिए। अच्छा जी, उधर देखिए कैमरे में फोटो आएगी। भाई साहब प्रधानमंत्री बनाएंगे आप उनको? बिल्कुल, इंशाल्लाह प्रधानमंत्री बनाएंगे आपके। बिल्कुल। अच्छा जी, पीएम है। चलिए, अच्छी बात है ये तो। हर समाज का तबका जो है यहाँ पर आज आपको देखने वाला है। ये इन एलओ से जेजेपी में आए, अब कांग्रेस में आ गए। अच्छा, कांग्रेस में मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। उसमें मजा नहीं आया? पगड़ी बदल दी। अच्छा, नाराज क्यों चल रहे थे जेजेपी? नाराज क्यों चल रहे थे? नाराज तो उनका है, हमारा को नहीं। महाराजों ने काम होने मारे। अच्छा, कौन से काम करवाना चाह रहे थे? बहुत काम है, हम तो पार्टी बदल दी। नहीं, वो काम मारे। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए, लाइव तस्वीरें साथ के साथ शेयर जरूर करें, और कोई भी बड़ी अपडेट होगी हम लोग दोबारा लाइव होंगे इस सारे मामले में। तो फिलहाल बजरंग दास गर्ग व्यापारी नेता है, वो भी अपनी बात जो है खोल कर रख रहे हैं। आप जुड़ रहे हैं वैसे पानीपत के साथ। नमस्कार।